राजस्थान की हॉट सीटों में से एक दौसा सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी मानी जा रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही यहां मजबूत प्रत्याशी की तलाश है। दो विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव हार चुकी भाजपा पूरी सतर्कता बरत रही है। टिकट वितरण में सभी समीकरणों पर पार्टी नेताओं का पूरा ध्यान है। भाजपा टिकट के दावेदारों की सूची भी लंबी है। प्रदेश स्तर के कुछ नेता यहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। एक वरिष्ठ मंत्री के भाई भी टिकट की दौड़ में बताए जा रहे हैं। जन कल्याणकारी नीतियों को लेकर के जो जनता ने हमारे देश के प्रधानमंत्री में विश्वास जताया है, उन मुद्दों को लेकर के साथ में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने अल्पकाल में ही अपने बजट के लगभग 40% हिस्से को पूर्ण कर लिया है और विकसित राजस्थान का उनका संकल्प है, उसी को लेकर के हम आम जनता के बीच में इस चुनाव को जीतने के लिए हमारी योजनाएं लेकर के जाएंगे। और निश्चित रूप से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले बजट में ही विकसित राजस्थान का एक संदेश दिया है, इसी आधार पर हम इस उपचुनाव को जीतेंगे। कांग्रेस में भी दावेदारों की कमी नहीं है। पार्टी नेतृत्व पूर्व विधायक मुरारी लाल की तरह मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। दौसा में सचिन पायलट का पूरा प्रभाव है। पायलट परिवार यहां से 7 बार सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुका है। प्रत्याशी चयन को लेकर हर स्तर पर मंथन किया जा रहा है। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं की यहां बैठक हो चुकी है। ये नेता यहां के नेता कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल चुके हैं। सदस्यता अभियान चलाकर भी पार्टी को और अधिक सशक्त बनाने की कोशिश की गई। दौसा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने के लिए रंग में उतर चुकी है और बूथ स्तर तक, मंडल स्तर तक हमारे सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है और हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जो हालात एक साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में रहे हैं, उससे हर वर्ग दुखी है। कांग्रेस शासन की जितनी योजनाएं थी उनको सबको बंद कर दिया गया और शासन नाम की कोई चीज़ इन साल भर के अंदर रही नहीं है। इन्हीं सब बातों को लेकर आम जन तो दुखी है ही, कर्मचारी, व्यापारी, किसान, मजदूर, सारा वर्ग दुखी है। इन सब बातों को लेकर हम पब्लिक के बीच जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और दौसा विधानसभा का उपचुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे और मैसेज राजस्थान की सरकार को देंगे कि जनहित के जो काम आप लोगों ने बंद किए हैं वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है और उसका जवाब दौसा विधानसभा चुनाव में, दौसा विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराकर दौसा विधानसभा की जनता देगी। वही कांग्रेस से यहां की कमान सांसद मुरारी लाल मीणा ने संभाल रखी है। कांग्रेस भी यहां मंडलवार बैठकें कर चुकी है और संगठन को पहले से अधिक सक्रिय किया जा चुका है। आपको बता दें कि मुरारी लाल मीणा पहले तो करीब 1 साल पहले विधायक चुने गए, फिर 4 माह पहले उन्हें सांसद चुन लिया गया, लिहाजा दौसा विधानसभा सीट खाली हो गई। राजस्थान की चर्चित सीटों में शुमार दौसा सीट पर 2 बार से लगातार कांग्रेस का कब्जा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल ने भाजपा प्रत्याशी शंकर शर्मा को 31,204 वोटों से शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने विधायक मुरारी लाल मीणा पर ही दाव खेला। इस चुनाव में मुरारी लाल ने भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा को 2,37,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया। वर्ष 2018 के चुनाव में भी मुरारी लाल मीणा दौसा से जीते। दौसा विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार उपचुनाव होगा। इससे पहले 1982 में विधायक सोहन लाल वंशीवाल के निधन के बाद 1983 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें भाजपा से राधेश्याम वंशीवाल विधायक निर्वाचित हुए थे। दौसा विधानसभा क्षेत्र में 2,46,012 वोटर हैं, जिनमें पुरुष 1,29,422 और महिला 1,16,590 हैं। विधानसभा क्षेत्र में कुल 240 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 175 ग्रामीण, 65 शहरी और 5 सहायक मतदान केंद्र हैं।